अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभाय तीर्थगोस्वामिने नमः। पति पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म की महति कृपा से आज का दिन अत्यंत मनोरम रहा। नववर्ष के बात को अगर एक तरफ रख भी देते हैं, नववर्ष का कोई विशेषता तो है नहीं, विशेष करके ये नववर्ष क्या, हिंदू धर्म के नववर्ष का भी विशेष महत्व नहीं है अगर हम लोग अपने जीवन के प्रयोजन की ओर जा नहीं सकते। हर नववर्ष हमारे मृत्यु का संदेश देने वाला वर्ष होता है और कुछ नहीं। तो इसीलिए नववर्ष की बात को हमें किनारा में रख देते, लेकिन आज का दिन बड़ा सुंदर रहा है। सुबह से ही हरिकीर्तनमय दिन, हरिकथा हरिकीर्तन का ही दिन रहा। जो दिन हरिकीर्तन करने का अवसर प्राप्त होता है, हरिचर्चा करने का अवसर प्राप्त होता है, वो दिन धन्य है और उसका लाभ लेने वाला हर व्यक्ति धन्य हो जाता है। तो इसलिए आज हमारे जीवन में आज का दिन अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सुबह दोपहर शाम तीन शिफ्ट लगे और एक स्नैक्स प्रोग्राम भी बना। तो इसलिए तीन कार्यक्रम और एक तीसरा ये है जो डिनर प्रोग्राम है, जहाँ पे आत्मा का डिनर है आज। इसको खाने के बाद आराम से नींद आएगा। बड़ा अच्छा डिनर है, बड़ा सुंदर राधा जी का नाम यहाँ पर कीर्तन हुआ। आत्मा का भोजन, आत्मा का जो भोजन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए आज आत्मा को भी सुबह ब्रेकफास्ट भी मिला, फिर उसके बाद दोपहर को लंच भी मिला, अभी डिनर चल रहा है। हम अपने आप से आज के दिन वास्तविकता में बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, ये हमें भी नहीं पता है अज्ञानता के कारण। लेकिन सत्य ये है, क्योंकि आत्मा कृष्ण के बिना, कृष्ण कथा के बिना तड़पता रहता है। मालूम है आत्मा स्वभाव से कृष्णदास होने के कारण कृष्ण कथा के अभाव में वो बिल्कुल विचलित हो जाता है।
लेकिन जीव ये तड़पन का कारण क्या है इसको जानना छोड़कर इसके तात्कालिक उपचार करने में लगा रहता है। नहीं जी, हम नहीं मानते, नहीं मानते। प्रमाण है, बीमारी कुछ भी होता है तुरंत जाके वहां का दवाई लेके खा लेते हैं एलोपैथी का। अरे बीमारी जो होता है कफ वात पित्त के कारण होता है। कफ से अलग अलग बीमारियां होते हैं, वात से अलग अलग बीमारियां होते हैं, पित्त से अलग अलग बीमारियां होती। अभी हम लोग उसका जो जड़ है वहां नहीं जाते, ऊपर ऊपर का जो बीमारियां परेशानियां है उसका समाधान करने के लिए चल पड़ते, ऐसी हमारी प्रवृत्ति हो गई। आज आत्मा भी अंदर से दुखी है, क्यों? शरीर को तो भोजन दिया जा रहा है, अनेक प्रकार के उपलेपनों के द्वारा इसको सुसज्जित करके, नवीन वस्त्रों को धारण करके, अनेक प्रकार के व्यंजनों को परोस कर देह को रंजन किया जा रहा है। लेकिन बेचारा जो भीतर बैठा है उसको कोई पूछ नहीं रहा कि तू भोजन किया, तू खुश है, इसलिए वो दुखी है। कैसे पता चलता है? क्योंकि जीवन में संतृप्ति किसी भी स्तर पे आकर व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो रहा है। आप खुश नहीं है मतलब ये कि अभाव है, जहां अभाव है वहां प्रसन्नता नहीं है। अरे घर है, गाड़ी, मकान, दुकान, खाना है, नौकर चाकर सब कुछ, लेकिन क्या करें? जो सुखी होना है जिसने, वो अनाथ की तरह पड़ा हुआ है, उसको कोई पूछ नहीं रहा, इसीलिए दुखी। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी दुखी, जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी। क्योंकि जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके शरीर के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास सब कुछ है उसके शरीर के लिए उसके पास सब कुछ है, लेकिन शरीर को चलाने वाला जो पर्सन है, मैं जो होए अंदर तो बैठा है, जो चीख चीख के कह रहा है कि मेरा शरीर, मेरा सर, मेरा हाथ, मेरा पेट, मेरा पांव, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा ये, उसको कोई खुराक नहीं मिल रहा है। आज परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म की असीम कृपा से एक दिन उसको फुल भोजन देने का अवसर प्राप्त हुआ। ये विशेषता, फिर लंगर तो सुबह से ही बट रहा था बेचारे, कोई कोई खा पाया उसको वो अलग बात है, लेकिन ये है कि जिसको भी प्राप्त हुआ वो परम भाग्यशाली है, जिसको अभी प्राप्त हो रहा है वो भी सौभाग्यशाली है। इस चीज को हमें समझना होगा। मानव जीवन की सार्थकता भगवान के पादपद्म में जाकर उनकी सेवा को प्राप्त करने में ही है। अगर उसी को नहीं प्राप्त किया तो कुछ भी हमने प्राप्त नहीं किया। सूरदास जी महाराज एक कीर्तन लिखते हैं, उस कीर्तन के अंतर्गत कहते हैं, तुमने नाम जप तो तुम परित्याग कर दिया, नामाश्रय को तो तुमने तिलांजलि दे दिया, लेकिन न काम छोड़ा न क्रोध छोड़ा। काम न छोड़ा,
क्रोध न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। नहीं हम कर रहे, करने वाले कर रहे हैं, लेकिन नहीं करने वाले नहीं कर रहे, छोड़ दिया। और करने वाला भी जब काम को अंदर रखेगा, क्रोध को अंदर रखेगा, तो नाम के लिए जगह कहाँ है? हाँ, एक म्यान में एक ही तलवार आता है, दो नहीं कोई डाल सकता है, डालने का कोशिश करेगा तो फट जाएगा वो, तो है ना। इसीलिए जहां काम रहेगा या राम रहेंगे, दोनों एक साथ कैसे रहे? पॉसिबल नहीं। तो सूरदास जी महाराज ऐसे कह रहे हैं, हम लोगों को क्या करना है, नाम को हृदय में रखना है। उससे क्या होगा, जन्म सार्थक होगा। ये मनुष्य शरीर लेना वो तब सफल होगा। नाम से क्या मिलेगा, प्रेम मिलेगा। प्रेम मतलब क्या होता है, सेवा। किसका सेवा, कृष्ण का सेवा। किसके पीछे, श्री जी के पीछे, जिनका नाम लेके नाच रहे हैं एकदम, उन्हीं का पीछे मिलेगा। ऐसा जिस राधा रानी का महिमा कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं, वो राधा जी का भाव कैसा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक के माध्यम से अपने अंतिम वाणी में उन्होंने बतला दिया, आशीष सेवा पादरताम विनष्ट मां मदर्शनान मर्म हदाम कुरोत हुआ यथा तथा विदधा मत प्राण नादस्ति सैव नाथ। केवल मात्र वही मेरा प्राणनाथ, उनके अतिरिक्त ना पर कोई और नहीं हो सकता। क्या बोल रही है, अगर वो मुझे स्वीकार करते हैं, प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा, प्रेम की ऐसी प्रगाढ़ता, समर्पण की ऐसी चरम अवस्था, जहां पर श्री राधा जी ये बात कह रहे कि वो मुझे अपनाते हैं उनकी मर्जी, नहीं मैं तुम्हें अपना नहीं सकता, बोले कोई बात नहीं, उसमें क्या। अगर वो मुझे प्रेम करते हैं ठीक है, कृष्ण के नाम मैं तुम्हें मर्माहत करना पसंद करूंगा, बोलते ठीक है, तुमको सुख मिलेगा तो कितनी बड़ी बात है। आप सब भक्त लोग हैं इसीलिए कह रहे ऐसा। राधी 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 क्या कह रही है ऐसा, ऐसे नहीं बोला। श्री राधा जी के चरणों का धूल को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि देवता जो है तरस रहे हैं। मालूम है एक कीर्तन है जिसमें बोला जा रहा, जिस रज के लिए धूलिकण को पाने के लिए ब्रह्मादि देवता तरस रहे। उद्धव जी जब श्री राधिका जी से मिला, गोपियों से मिला, उसके बाद उद्धव जी कहते हैं कि मुझे मेरा ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए। ऐसा प्रेम जो कि ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान को ही हवा कर दे, ऐसा हमारा सांसारिक ज्ञान भी उड़ नहीं रहा है, सांसारिक बंधन भी उड़ नहीं रहा है, वो भी हमें जकड़ के रखता है। लेकिन वहां बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, जबकि उद्धव जी ब्रज में जाना नहीं चाहते थे, गांव है क्या करना, किस लिए जाना, क्या मनाना। भगवान बोलते उद्धव जी को जाओ तो सही, एक बार जाओ मिलके तो आओ,
तुम उन्हें कह दो तुम मेरा प्रिय हो, तुम जाके उन्हें कह दो मत रो ऐसा। ठीक है, कृष्ण इतने आग्रह कर रहे हैं, पहुंच गए उत्तम ब्रज में। और जब गोपियों का दर्शन किया, जब नंद यशोदा का दर्शन किया, जब ब्रजवासियों का दर्शन किया, और शेष में जब श्री राधा जी का दर्शन किया, गोपियों का दर्शन किया, क्या कर रहे हैं? उनका ब्रह्म ज्ञान जो है वो कर्पूर की तरह उड़ गया है। 84 लाख योनियों के अंतर्गत सबसे श्रेष्ठतम योनि मनुष्य की है, और उद्धव जी क्या बोल रहे हैं? नहीं चाहिए मुझे। और उद्धव जी साधारण मनुष्य नहीं है, सारूप्य प्राप्त है भगवान का, भगवान जैसे रूप है, भगवान के अत्यंत प्रिय है, बृहस्पति का शिष्य, साधक नहीं है ब्रह्म ज्ञान का, उसमें प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है। इतना गुण, इतनी विशेषताएं होने के बाद भी श्री राधिका जी के चरणों का दर्शन करके, उनके दिव्य भावों को श्रवण करने के बाद क्या प्रार्थना करते हैं? एक छोटा सा पेड़ पौधा ही यहां पर बन के पड़ा रहो, ब्रज के अंदर जो पड़ा हुआ पेड़ पौधा बूटा जितना भी है, वो भी बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी जितने भी महान विभूतियां हैं उनसे भी उनकी उत्कृष्टता ऐसा वर्णन आया है। कारण क्या है? ऐसी क्या करती? यही भगवत पाद पद्म के अंदर ऐसी रति, ऐसा सेवा का भाव। ऐसा क्या बोले? मेरा अगर तुम मर्माहत करते हो तुम खुश हो? बोलते हैं मेरे लिए वही संपद है। ऐसा कल्पना कर सकते हैं? ये राधा जी का वो है। हम लोग उस श्री राधिका जी के जो अनगत दासियां हैं, सखियां, उनके अनगत परंपरा में आ रहे हैं। गंभीरता से बैठ के श्री राधा जी के भावों के ऊपर जो व्यक्ति विचार करेगा वो स्तब्ध हो जाएगा, बिल्कुल जिसे जिसे फ्रीज हो जाते। ऐसा ऐसा क्या बोल रही है? अमी कृष्ण पद दासी, श्री कृष्ण के पाद पद्म की दासी हूं मैं। देवरास सुख रस, इसका मैं व्याख्या नहीं करना चाहता, मुख से आ गया। ये गुरु जी भी नहीं करते थे, गुरु जी बोलते थे इशारा किया ऐसे बोल देते। कहने का मतलब है मोर यदि दिया दुख पार होए महासुख। बोलते अगर मुझे कष्ट देके कृष्ण को सुख मिलता है, कृष्ण का सुख ही मेरे लिए परम सुख है। श्री राधा जी के लिए जो परम सुख है वो वास्तविकता में एक प्रकार से वो राधिका जी का अपना दुख है, लेकिन वो उसको भी वर्ण करती है। क्यों? क्योंकि मुझे इसे देख के मेरे श्याम सुंदर को अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है, इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है। अरे तुम दुखी हो गए हो तो क्या है? मेरे प्रीतम को तो अच्छा लगता है। भक्ति इसको क्या? ऐसा नहीं कोई कोई आता है, क्या लाभ हुआ हरिनाम लेके आते हैं ऐसे, क्या लाभ हुआ हरिनाम लेके? कोई क्लेश तो जाता नहीं, वो सोचता है कि जिंदगी भर जो मर्जी उपद्रव वो कर ले, उत्पात कर ले, शराब पी ले, मांस खा ले, चरित्र खराब कर ले, सब कुछ नाश करके, अब जब जूते खाया दुनिया में वो आएगा
और जैसे ही माला पकड़ेगा साथ साथ सब खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि भगवान नौकर है, सिर्फ प्रभु है। इसीलिए हमारे आचार्य बतला रहे, निज कर्म गुण दोष जे जे जन्म पाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे अपने कर्मों के कारण, मेरे अपने दोषों के कारण जो मर्जी जन्म देना है प्रभु मेरे नाथ मेरे गोविंद दे दे, मेरे लिए अपनी विधान का परिवर्तन नहीं करना। आप मेरे लिए अपने विधान को बदलोगे उससे मुझे दुख कि मेरे प्रभु को मेरे कारण कष्ट करना पड़ा। एक भक्ति है, इसको कहते हैं भक्ति। माला जैसे ही पकड़ा क्लेश सब खत्म हो जाना चाहिए। वो लोग भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन होगा, ठीक है, मांगेंगे किससे, भगवान से। इधर उधर मांगने से अच्छा भगवान से ही मांगे, उनसे ही प्रार्थना करें कि आप हम पर कृपा कर। बट इसको ही अगर हम एक्सक्यूज बना के जिंदगी धक्का मारना चाहते हैं तो उनकी सेवा कब करें? जब उनका सेवा का वृत्ति हृदय में जागा ही नहीं तो राधा रानी का दासत्व कहां मिलेगा? ये चीज समझना है। ऐसे लोग नहीं बनना है। माला पकड़ा सब खत्म हो जाना चाहिए आज ही। तुमने इतने साल जो किया है और दहेज जो कमा के रखा है अपना कर्मों का, हाँ वो किसको देके जाओ? भगवान लेंगे उसको, और भगवान से प्यार करते हैं तो उनको देंगे अपने पाप कर्मों का फल? कभी नहीं। ऐसा कई होते हैं, हमको कभी मैसेज करके फोन करके बोलते रहते हैं, भारत से विदेश से कई लोग, अलग अलग आचार्यों के शिष्य, उनके संशय होते हैं, हमारे अपने ही बच्चे होते हैं, सब पूछते रहते हैं, कोई ना कोई दुखी होते रहते। कल ही मुझे एक सज्जन कह रहा था कृष्ण दर्शन बड़ा कठिन, नव वर्ष के उपलक्ष में शुभकामना देने के लिए फोन किया रात को 12 बजे, जब आप लोग बाहर हल्ला कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, बाद में जो है जो भी चल रहा था मस्ती, तब अंदर मुझे फोन है ताकि मारे हैप्पी न्यू ईयर मेला। अच्छा, तब वो सज्जन जो है कह रहे जैसे जनरल तरीका था कि कृष्ण दर्शन जो है, कृष्ण को, आपके कृष्ण को खुश करना कठिन है, जब पहले ही तुमने आपका कृष्ण मान लिया, जब कृष्ण को अपना माना नहीं संबोधन में भी, तो फिर कहां से दर्शन होगा, कहां से कृपा? कृष्ण अपना मानने वाले के ऊपर अनुग्रहित करते हैं, उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनको अपना मान लो। उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे दयालु भगवान और कौन मिलेगा जो ये कहता है पत्रम पुष्पम फलम तो योमे भक्ता प्रेषित, प्रीति से प्रेम से जो मुझे चाहने वाला व्यक्ति एक पत्ता भी मुझे अर्पण कर देता है वही मेरे लिए पर्याप्त है, एक फूल मुझे अर्पण कर देता है वही मेरे लिए पर्याप्त है, पानी अगर मुझे अर्पण कर देता है वही मेरे लिए पर्याप्त है, एक फल ही मुझे अर्पण कर देता वही मेरे लिए पर्याप्त है। कंजूस लोगों के लिए नहीं बोला है, भक्त के सामर्थ्य के हिसाब से, उसके पास बेचारे का उतना ही सामर्थ्य,
रामचंद्र कविराज जब उनके भाई के स्थान में गए थे, बड़े सुंदर पुष्प वहां पर विकसित हो रहे थे बगीचे में, उनका मन में इच्छा हुआ कि ये पुष्प मैं अपने गोविंद के चरणों में अर्पण करूं। लेकिन भाई का कैसे तोड़ेगा, मन ही मन अर्पण कर दिया और भगवान ने उसको स्वीकार भी कर, अरे तोड़ा भी नहीं है, उठाया भी नहीं है, मतलब स्थूल रूप से किसी भी प्रकार का कर्म वहां पर प्रकाशित नहीं है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने भक्तवत्सल है, वो उसी को स्वीकार कर लिया, मानसिक रूप से जो अर्पण किया उसको भी स्वीकार किया। और कहां मिलेंगे, कब करते हैं, जब भक्त समझता है कि ये मेरा है, कृष्ण मेरे हैं। श्री राधा जी को जब समझता है कि ये मेरी है, सब कुछ हो जाता है। उल्टा श्याम सुंदर से ज्यादा कृपालु श्री राधिका जी हैं, क्योंकि राधिका जी प्रेम का जो कृष्ण को प्रेम का आस्वादन कराती है, आनंद का आस्वादन कराती है, आनंद प्रदान करती है, क्योंकि श्री राधिका जी आह्लादिनी शक्ति है और श्री राधिका जी से ही उस आह्लाद को लेकर कृष्ण जगत को वितरण करते हैं। जब कोई जीव श्री राधिका जी के पाद पद्म में जाके आश्रय लेता है, राधा जी कृष्ण के ऊपर शासन करती है प्रीति का, और उस जीव का कल्याण करने के लिए प्रेरित करती है। राधा जी का जब मान होता है कि ये मेरा है, तब श्री राधा जी कृष्ण को बोलती है, कृपा करो इससे, नहीं तो और कौन कहेगा, और किसकी चलती है वहां, ये भी है। राधा जी जो है वो कृष्ण से कहती कि इससे कृपा कर। भक्त का इच्छा, कई लोगों का दिमाग थोड़ा सा खराब होता है, भक्तों का भी होता है, वो नहीं समझ पाते कि राधा रानी क्या है, तत्व क्या है, कृष्ण क्या है। राधा कृष्ण मतलब उनके लिए एक प्रणय का वस्तु है, इसलिए इस चीज को हमें समझना होगा। अगर हम उसको उस भाव से आगे नहीं भी बढ़ते हैं, कहने का मतलब श्री राधिका जी जैसे जो भगवान के प्रति समर्पित भक्त है, वो अगर किसी के लिए कह देगा, भगवान उन्हें ग्रहण करना ही पड़ता है। और उन भक्तों में, उन रसों में सर्वश्रेष्ठ रस की आचार्य, उन्नत उज्ज्वल रस के आचार्य श्रीमती राधिका जी के दासत्व जिसने प्राप्त कर लिया है, उसको और कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों, श्री कृष्ण श्री राधिका जी के प्रेम के आगे बिल चुके हैं, इसीलिए श्री कृष्ण वहां पर प्रार्थना करते हैं, आपके चरण मुझे प्रदान कीजिए, आपके चरणों का सेवा मुझे प्रदान कीजिए, मुझे अपना दास के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान अर्जुन का रथ को भी हांक सकता है, और कुरुक्षेत्र के रणभूमि के अंदर जैसे अभी एक बाइक चल रही तो उसकी आवाज हमें यहां तक आता है और कथा में डिस्टर्ब होता है, और कुरुक्षेत्र के रणभूमि में बोलते एक एक योद्धा अपने शंखों को लेकर सिंहनाद कर रहे, ऐसा लग रहा जैसे सिंह गरज रहा है, ऐसी स्थिति कुरुक्षेत्र में बना हुआ है, देख लो। और इसके बाद धुंधवी नगाड़े ये वो सब बज रहे, उसके बीच में अर्जुन कृष्ण को डायरेक्शन कैसे देंगे,
महाभारत पढ़िएगा, मालूम पड़ता है। और कृष्ण का मुख आगे की तरफ है, अर्जुन पीछे, कैसे देखा? कंधे पे ऐसे ऐसे कर रहा है, हाथ से, घुटना से, पांव से इशारा, और कृष्ण उसको स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? भक्त वत्सल ऐसे ही है गोविंद। ये तो अर्जुन की बात है जो कि गौरव सखा है। समझते हैं, दो प्रकार के चैनल होते हैं भक्तों के बीच में, एक गौरव एक विश्रम्भ। ये सब प्रेमी भक्त हैं, शांत के बाद, दास्य के बाद दो भाग होता है, एक गौरव एक विश्रम्भ। उसमें से गौरव साख्य है, विश्रम्भ साख्य है, गौरव वात्सल्य है, विश्रम्भ वात्सल्य। और ऐसे ही गौरव भाव का काम त्रस है तो विश्रम्भ भाव का भी है, बता रहा हूं ऐसा। समझ में आता है? नहीं आएगा हमको, कुछ हो गया इस बार, दो चार दिन ये सब चल पड़ा रास्ता, क्या करेगा? सोचता कुछ है, निकलता कुछ है। अर्जुन जैसे सखा जहां पर ऐश्वर्य भाव है, जहां मर्यादा है, वो सब गौरव भाव में होता है। जैसे देव की वसुदेव है, वात्सल्य रस के अंदर है माता पिता, लेकिन जब कंस को मारने के बाद कृष्ण उनको छुड़ाने आए हैं, छुड़ाने के बाद वो जब प्रणाम कर रहे हैं, वो दोनों संकोच में आ गए वहां पर, झट से उन्होंने कृष्ण को आशीर्वाद दिया नहीं, वहां वो दोनों संकोच में आए। क्यों? कंस को वध करने वाला हमारा बेटा कैसे हो सकता है? वो तो भगवान है। ऐसा। लेकिन नंद महाराज वहां पर बैठ के अपने आंखों से देख रहे हैं कि कृष्ण किस तरीके से युद्ध कर रहे हैं, बलदेव किस तरीके से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में नहीं आता है, क्योंकि वो विश्वम्भ भाव के हैं। गौरव में ये भाव रहता है, ऐश्वर्य रहता है, प्रभुता का भाव रहता है, विश्वम्भ में नहीं रहता है। वो लोग मानते ही नहीं। अब यशोदा कभी मानती नहीं कि कृष्ण भगवान है। अरे मुख में ब्रह्मांड दिखाया, इतने नजदीक से दिखाया, बोले कौन? खोलती है मुंह, खोलते हैं कृष्ण, लेकिन ब्रह्मांड भी दिख रहा है, उसके अंदर यशोदा भी दिख रही है, फिर कृष्ण दिख रहे हैं। इतना हो जाने के बाद भी वो बोलती कि ना, मेरे लाला को कुछ हो गया है, चलो जी वहां। और दूसरा, यहां पर देव की सुनती है, कान से सुन रही है क्या क्या हो रहा है, और उसी से संकोच में आ रही है। वहां यशोदा अपने आंखों से देखा कि कृष्ण किस प्रकार से काली नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण वास्तविकता में नृत्य नहीं कर रहे थे, काली नाग के जितने भी वो जो फन होते हैं वो उठाता है, इतना तेजी से उठाता है कृष्ण, उतना ही तेजी से उसको कुचल रहे। वो देखने से ऐसा लग रहा मानो नृत्य कर रहे वहां पर, इतना कुछ आंखों से देखने के बाद भी वो बोलती भगवान की कृपा से मेरा लाला बच गया है, भगवान का कृपा से बच गया है। ये होता विश्रम्भ भाव समझने के लिए। अभी सखा लोग अर्जुन नहीं कर सकता है, भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखा दिया उसके बाद अर्जुन भगवान के चरणों में गिर के क्षमा मांग रहे हैं कि मैं आपको अपना सखा बंधु ये वो सब समझ लिया,
अब आपका ये दिव्य रूप को दर्शन करके मैं भयभीत हो रहा हूँ। आप कृपा करके अपनी इस रूप का संवरण करें। जबकि भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान करके दर्शन कराया, भगवान की दिव्यता को अर्जुन दिव्य नेत्रों से दर्शन कर रहा है, जो कि भगवान ने ही उन्हें प्रदान किया कृपा करके। और यहां सखा लोग श्री कृष्ण भांडीर वन के अंदर आग पी लिया, वो देख लेता है कृष्ण ने बोला सब आंख बंद करो, एक का एक ही आंख होता है, वो जो है उसको क्या करता है, उसको बंद करके दूसरा खोल के रखता है। क्या कृष्ण को नहीं पता था? वही रस है, वही आनंद है। क्या भगवान से कुछ छिपता है? देख रहे हैं, देख ले तुम, आनंद लो तुम भी। अब वो देख रहा है सारा कुछ हो गया, चुप चुपचाप देख लिया। अगले दिन यशोदा कृष्ण को दूध पकड़ाती कि बेटा पी के जाओ, ये उधर फूंक मार रहा है कृष्ण। सखा कहते कि देर क्यों होता है, देर क्यों होता है? उसे देखता नहीं कितना गर्म दूध है, माने थी मुंह जल रहा है, बहुत जल रहा है। और वो सखा कृष्ण को गालियां देता है। ब्रज में वो लोग यूज करते हमारे मुख से अच्छा लगेगा, लेकिन बोलते कृष्ण को ऐसे संबोधन करते, वो ऐसा नहीं कि असभ्य भाषा है, सभ्य भाषा होता है वो। भगवान को लोग इतने मतलब उस तरीके से कोई अभद्र भाषा प्रयोग नहीं करते, लेकिन ब्रह्मादि देवता भी ऐसे वाक्यों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो शब्द वो सखा लोग प्रयोग करते हैं और उनको कोई वो नहीं है। उनके लिए वो बोलते तुम्हारे लिए होगा भगवान, हमारे लिए थोड़ा, कौन भगवान है, उससे भगवान तो हमें, ऐसे होता है। अब जो है गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, अब सारे सखा भी कमर कुमर बांध करके वहां जाके छड़ी लगा रहे, बोलते किस लिए है? बोलते कृष्ण है भाई, छोटा सा है, ठीक है, हम लोगों के बिना क्या पहाड़ ऐसे ही उठ जाएगा। लेकिन जब बाहर आने का समय हुआ था, सब बोल रहे हमने पकड़ के रखा तू बाहर चल जा, कृष्ण बोलते नहीं होगा, तुम लोग सब बाहर जाओ, उसके बाद में आऊंगा। नमक तू लाला छोटा है। बात यह है कौन नहीं देख रहा वहां बैठा हुआ, 7 दिन 7 रात हम 2 मिनट हरि बोल कर नहीं सकते, प्राण संकट हो जाता है, ये नस खींच जाता है वहां पे। 7 दिन 7 रात छोटे से नरम से उस हाथ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण करके खड़े हैं। कौन नहीं जानता कि ये कोई साधारण वो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं तुम अब बाहर जाएगा। कृष्ण ने थोड़ा सा टेढ़ा किया तो सबकी छड़ियां टूट गया, वो लोग साथ साथ भागे। सब आने के बाद फिर कृष्ण बाहर आया। भगवान की भगवत्ता को अनेक बार दर्शन करने के बावजूद भी वो भाव ऐसा होता है, वो विश्रम ऐसा होता है जहां पर ये सब दिखता नहीं है, वहां पर प्रेम की प्रधान्यता है। ऐसा कृष्ण जहर आग पीते देख रहे हैं, कृष्ण को काली को दमन करते हुए देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कृष्ण भगवान है। लेकिन कृष्ण के बिना कोई जी भी नहीं सकता, लेकिन विश्रम भाव है। जो अर्जुन गौरव सखा है और वो भी भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया, तो श्री कृष्ण उनके भी पदाघात को स्वीकार कर रहे, और सखा लोग कृष्ण को नीचे खड़ा करके रखते हैं।
और उनके कंधे पे चढ़ते हैं और चढ़ते हैं, ऊपर से फल तोड़ते हैं, खाते हैं, नीचे देते हैं, खाते हैं, देते हैं। शेष में तीन चार आदमी के बाद जब कृष्ण तक आता है तो वास्तविकता में उसमें कुछ खास बचता नहीं है, लेकिन उसी छिलका गुठली को कृष्ण आस्वादन करते हैं और आनंद लेते हैं। क्यों? उनके अनुचर बना ले, उनका दास बना ले। ऐसा यही विशेषता है, स्वयं को अपने भक्तों का दास बना ले। बली महाराज के पास भगवान वामन देव चले गए। अब नारद जी वहां जाके बोलते हैं कि वामन देव को छोड़ दो भैया, इनकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि वामन देव कह रहे हैं कि बलि अगर आज्ञा नहीं देगा तो मैं जाऊंगा नहीं यहां से। बलि आज्ञा नहीं देगा, भगवान बलि की आज्ञा के अधीन है, प्रेम के अधीन है। बलि महाराज जो कि असुर योनि में प्रकट हुए हैं, प्रहलाद महाराज के पौत्र रूप में प्रकट हुए, उनके ही भक्ति के वशीभूत होकर भगवान नारद को बोलते कि मैं नहीं आ रहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं आऊं तो तुम्हें बलि का आज्ञा लेना होगा। वो जाके बलि से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप इनको जाने दीजिए, भगवान की हमें जरूरत है। तब जाके भगवान वहां से निकले। बलि महाराज और उसके बाद ये जितने भी सखा और आगे बढ़ते 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 नंद यशोदा इत्यादि और श्री राधा जी भगवान के पद में आश्रित जितने भी भक्तगण हैं उनमें से सबसे पराकाष्ठा के रूप में अगर कोई है वो श्री राधा जी है। ऐसा कह रही है कि मुझे कष्ट देके तुम्हें सुख होता है तो तुम्हारा सुख ही मेरे लिए परम सुख है। इसीलिए श्री राधा जी जो कि श्री कृष्ण चंद्र के चरणों को पकारना चाहती है लेकिन कृष्ण राधा जी के चरणों को पकारना चाहते हैं, तो इसीलिए यद्यपि हृदय में इच्छा ना हो तब भी चरणों को आगे कर रही है। कितना कष्ट होता है लेकिन उसको आनंद से स्वीकार करना वो केवल राधा जी ही कर सकती है। कृष्ण विरह में जीवन निर्वाह करना क्षण भर के लिए भी जिनको संभव पर नहीं है वो 100 वर्ष तक अपने जीवन को धारण करके रखा हुआ है उनके विरह में। 100 वर्ष वैसे तत्व के हिसाब से भक्त के रूप में लीला कर रही है श्री राधा जी, साक्षात कृष्ण है, वो सब हम चर्चा नहीं कर। इतनी बात हमें समझना होगा, राधा कृष्ण मतलब एक विग्रह दो रूप में प्रकट हुआ है, एक सेव्य के रूप में एक आश्रय के रूप में। इसलिए विषय भी वही है आश्रय भी वही है, आश्रय भी कृष्ण है विषय भी श्री राधा है। वो सब किसी और समय चर्चा करें। कहने का मतलब क्या है, राधा जी का नाम कैसे हृदय से निकालना पड़ता है कि श्री राधा जी का नाम हृदय से निकले, कि राधा जी का नाम जब हृदय से निकलता है तो कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। राधा जी का नाम, राधा शब्द का उच्चारण से कृष्ण उनके पीछे, उच्चारण करने वाले जो जीव होता है उनके पीछे धावित होते हुए चलते हैं, पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तुमने राधा जी का नाम चरण किया, विशेषता। और आज हमने क्या कमाया है वही कमाया है, कृष्ण कृपा को कमाया है। श्री राधिका जी के नाम को उच्चारण करते हुए नर्तन करते हुए कई लोगों के हृदय में ये भाव अवश्य आ सकता है कि बड़ा अच्छा आनंद आया, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि सूक्ष्म रूप से वो लोगों ने कृष्ण कृपा को अपना वश में किया है। ये विशेषता,
ऐसा। खैर जो हो, भगवान हम सबके ऊपर कृपा करे। राधिका जी का दासत्व करने की योग्यता हम लोगों को प्रदान करे, ऐसे परमाराध्य श्रील गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुरु परंपरा के चरणों में प्रार्थना करते हैं, श्री राधिका जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, श्याम सुंदर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमें भक्ति प्रदान करे। और कुछ जरूरत नहीं है, ये जन्म कई जन्मों से हम लोग कुछ ना कुछ मांगते फिरते समय काट रहे। कब तक मांग लेना अगर जरूरत पड़ा है, लेकिन मांगने की वृत्ति को अपने अंदर से उखाड़ के बाहर फेंक देना। मांगना गलत नहीं है, लेकिन मांगने की जो वृत्ति है वो गलत है। मांगना ही है, यही मांगना कि आपके चरणों का धूल हमें बना दो, आपके चरणों का धूल को हमें प्राप्त करने का अवसर प्रदान करो। उद्धव जी बोल रहे हैं, बोलते वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम, मैं तो उनके पाद रेणु चरण धूलि की एक कण को मैं नमन करता हूं। उनकी कृपा, उनका अनुग्रह ही त्रिभुवन को पुनीत करने वाला है। उनके चरणों का धूल मेरे ऊपर उड़ उड़ के गिरे। एक गाते एक नंद भवन में उड़ रही धूल करके, वो गाने में अच्छा लगता है, लेकिन उसकी गहराई जिस दिन समझ में आ जाएगा, रो रो के आदमी पागल हो जाएगा। जिस दिन इसकी गहराई समझ में आ जाएगा, नंद भवन का वो जो धूल की गहराई क्या है, बरसाने का उस धूल की गहराई क्या है, उद्धव जी यही बोल रहे हैं। उद्धव जी वहां पर नाच नहीं रहे, प्रार्थना कर रहे, चरणों में गिर के प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे यही कहीं पे कोई लता पता बूटा ही बना दो, मैं और कुछ चाहता नहीं। अरे तुम तो ब्रज में नहीं जाना चाहते हो। वो तो तब है जब आया, इनसे मिला, उसके बाद उद्धव जी को ये बात का पूरी तरह से समझा गया कि कृष्ण ने मुझे ब्रज में भेजा क्यों। कृष्ण बोल रहे यथा भगवान तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो, इतना प्रिय तो ना लक्ष्मी है, ना ही इतना प्रिय ना लक्ष्मी है, ना बलदेव है, ना शिव है, यहां तक कि मैं अपने आप को भी इतना प्यार नहीं करता हूं। दैवात्मा जो खुद को भी प्यार नहीं करता, भैया इतना प्रेमी हो गया। बोलते हाँ यथा भगवान, जैसे कि तुम हो। अब उद्धव जी ब्रज में जाने के बाद चिंता करते हैं, कृष्ण ने तो ये बोला यथा भगवान, लेकिन जिन लोगों का नाम कृष्ण ने लिया उनमें तो ब्रजवासी नहीं है। कहीं पे भी उन्होंने ब्रजवासियों का उल्लेख नहीं किया। मतलब क्या है, ये भी नहीं कहा कि तुमसे वो श्रेष्ठ, मतलब तुम्हारा वो जगह ही नहीं है जहां पर वो लोगों का जगह है। सोचा इसलिए बताया, तुम्हारा वो जगह ही नहीं, इन लोगों के बीच में तुम बढ़िया है। ये भी नहीं बोला कि इन लोगों के बीच में तुम बढ़िया है, बोलो तुम बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को उद्धव जी जानते हैं उन लोगों का नाम ले लिया, और वहां पर उन्होंने उद्धव जी से ब्रजवासियों का परिचय कराया, क्योंकि उद्धव जी के अंदर एक अभिमान था, उस अभिमान को उन्होंने खत्म भी करना था, उसको समाप्त करना था। इसलिए श्री कृष्ण उद्धव को भेजा ब्रज में, जाओ। वो गया उधर, जाने के बाद कहता है कि और नहीं, ब्रज से बाहर ही नहीं जाना चाहता है। ऐसा जो उद्धव कृष्ण के साथ में रह के पूरी तरह से प्रसन्न था, वो आज कृष्ण विरह में विरह से भयभीत होकर के कहता होगा। कृष्ण को स्वयं बोल रहा है उद्धव कि तुम्हारा विरह का डर है मुझे, और किसी चीज के डर है ही नहीं। कितना स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
भक्ति का, सेवा का, समर्पण का। वो कैसे पड़ा? क्योंकि वहां वो है, वो सब्सटेंस वहां पे है, सार वहां पे है। वो सार क्या है? प्रेम ही सार है, समर्पण ही सार है। और उस सार की पराकाष्ठा श्री राधिका जी के पास में है। इसीलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए कि श्री राधिका जी का दासत्व मुझको मिले, उनका दासी बन, और कुछ नहीं चाहिए। दासी ना सही, उनके चरणों का धूल का एक कण का भी दासी बने, वो भी मेरे लिए पर्याप्त है। वहां का धूलिकण भी चिन्मयी स्वरूप में रहता है, इसीलिए वहां का धूलिकण भी मंजरी के रूप में ही रहती है। इसीलिए जब हम उनके ही अनुगत जनों का जब हम दासत्व करेंगे, हम श्री राधा जी का कृपा को सहजता से प्राप्त करेंगे। जिस जीव के ऊपर श्री राधा जी का सहज कृपा है, उसके ऊपर श्याम सुंदर का महती कृपा है, और वो यहां नहीं रहेगा उसके बाद। इसीलिए याचना करनी है, भिक्षा करनी है, तो बोलते हैं आप कृपा करके ब्रजजनों का, ब्रजगोपियों का भाव का भिक्षा हमें प्रदान कर दीजिए, हे श्याम सुंदर करके निवेदन करना है। आशा करता हूं आप लोग उस दिशा में अपनी जीवन यात्रा को लेकर के चलेंगे और आनंद लेंगे, सुखी रहेंगे। मांग लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, जो मांगने भगवान से मांगे, खुशी से मांगे, लेकिन मांगने की वृत्ति को छोड़ करके मांगे। बस वो हमारा नौकर नहीं है। पहली बात तो कुछ नहीं मांगना ही अच्छा है, लेकिन कई ऐसे सोचते हैं ना मांगे महाराज और कहां जाए क्या करे, तो भगवान से मांग लो, लेकिन मांगने की इच्छा को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक। फिर उसके बाद जीवन का दिशा दशा सब बदल जाएगा, बड़ा आनंद आएगा। वृंदावन बिहारी लाल की।